टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के दो अलग अलग जगहों पर डेथ बॉडी मिलने की खबर सामने आई है। मुमरा बाईपास पर एक अज्ञात डेथ बॉडी मिली है और अमृत नगर के पास योगी कॉम्प्लेक्स में अब्दुल सत्तार नाम के एक शख्स की डेथ बॉडी मिली है। मुमरा बाईपास पर कल दोपहर के वक्त में एक अज्ञात डेथ बॉडी टोल नाके के पास में मिली है। इस अज्ञात व्यक्ति की उम्र करीब 45 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। सूचना मिलने पर मुमरा पुलिस भी पहुंच गई और इस अज्ञात व्यक्ति की तलाशी भी ली गई, मगर इसके पास से कुछ भी प्रूफ नहीं मिला जिसकी वजह से इसकी पहचान की जा सके। जिसके बाद मुमरा पुलिस ने इस डेथ बॉडी को कलवा शिवाजी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं एक बात और आपको बता दें कि मुमरा, कौसा, दीवा इन इलाकों में अक्सर डेथ बॉडी मिलती हैं और इन डेथ बॉडी कैसी भी परिस्थितियों में हो, मगर डेथ बॉडी उठाने का काम करने वाले जो अब्दुल्ला मामू, अकबर, अब्दुल शेख और सज्जाद सुल्तान हैं, इनके काम की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। जहां लोग अपनों की डेथ बॉडी को हाथ लगाने से कतराते हैं, वहीं अब्दुल्ला मामू, अकबर और सज्जाद जैसे लोग उन शवों को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करते हैं। इसी तरह से अमृत नगर के पास योगी कॉम्प्लेक्स F-203 में अब्दुल सत्तार नाम के एक 85 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर अंदर से बंद होने की वजह से जब बदबू आने लगी तो लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली और बुधवार की शाम में ही पुलिस ने योगी कॉम्प्लेक्स पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि ये बुजुर्ग अकेले ही यहाँ योगी कॉम्प्लेक्स में रहते थे अपने घर में और इनका परिवार कहीं दूसरे जगह रहता था, मगर इनकी मौत होने के बाद परिवार से पुलिस ने संपर्क किया और कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।